सो नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं इनसाइड एंड आउटसाइड। देखो सिंपली वर्ड्स में बोला जाए तो इनसाइड मीन्स होता है अंदर और आउटसाइड मतलब होता है बाहर, है ना। अगर हम एक एग्जांपल लेके बोलें तो सपोज ये मेरे पास एक बॉक्स है, ठीक है। अब जब मैं इस बॉक्स को ओपन कर रही हूँ, ठीक है, मैंने इस बॉक्स को ओपन किया, मुझे क्या मिला, एक पेन मिला। मतलब जब ये बॉक्स के अंदर पेन है तो रुकिए एक मिनट, जब इस बॉक्स के अंदर पेन है तो इसको हम बोलेंगे इनसाइड, मतलब अंदर है, और जब ये पेन बॉक्स के बाहर होगा तो इसे हम बोलेंगे आउटसाइड, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं आगे की। देखो इनसाइड की डेफिनेशन पढ़ते हैं, आउटसाइड की, है ना, और फिर एक एग्जांपल पढ़ लेते हैं। इनसाइड मीन्स अंडर इन समथिंग, इनसाइड मतलब होता है कोई चीज़ के अंदर होना, और आउटसाइड मतलब होता है कोई चीज़ के बाहर, आउटसाइड मीन आउट फ्रॉम समथिंग। अब हम जरा एक एग्जांपल लेंगे तो यू आर इनसाइड इन योर होम एंड आउटसाइड इन मार्केट और स्कूल। मतलब देखो जब आप घर के अंदर रहते हो तो उसे हम बोलेंगे आप घर के इनसाइड, मतलब अंदर हो, एंड जब आप बाहर रहते हो, मार्केट जाते हो या और कहीं जाते हो या स्कूल जाते हो, तो आप अपने घर के आउटसाइड हो, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं इनसाइड एंड आउटसाइड। शेप और स्पेस आपका चैप्टर बहुत अच्छा, मतलब रिलेटेड था, इसलिए हमने शेप और स्पेस को अच्छे से समझाया। बाकी ये सब तो छोटे छोटे आपको अच्छे से जल्दी से समझ में आ जाएंगे। तो इनसाइड एंड आउटसाइड समझ लिया, इनसाइड मींस अंदर एंड आउटसाइड मतलब बाहर। आपकी बुक में एक अरब और ईरान की भी स्टोरी दी है ना, इसमें इनसाइड और आउटसाइड के ऊपर, तो उसको भी हम पढ़ लेंगे। पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं। आपको वो वीडियो पहले देखनी हो तो वो वीडियो देख लेना, ये वाली पहले देखनी हो तो ये पहले देख लेना, क्योंकि एक्सरसाइज तो आपकी उसी वीडियो में होगी, है ना। छोटी छोटी एक्सरसाइज हम पिक्चर के थ्रू हम उसी में समझेंगे, ओके। तब हम आगे पढ़ते हैं। तो अब हम आगे का शुरू करते हैं, बिगर एंड स्मॉलर। बिग क्या होता है और स्मॉल क्या होता है, देखो सिंपल वर्ड्स में शुरू करें। बिग मतलब सबको पता होगा बड़ा, स्मॉलर मतलब भी सबको पता होगा स्मॉल, ठीक है। तो बिगर मीन्स सबसे बड़ा और स्मॉलर मीन्स छोटा। तो अब हम इसको शुरू करते हैं। देखो बिगर मीन्स बिग, बिगर मतलब होता है बड़ा, एंड स्मॉलर मीन्स स्मॉल, और स्मॉलर मतलब होता है स्मॉल, ठीक है। तो अब हम जरा एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ये मैंने रख दिया यहाँ मार्कर, और यहाँ मैंने रख दिया ये डस्टर। अब अगर मैं पूछूँ, आपको क्वेश्चन पे भी डिपेंड करता है कि आपसे पूछा क्या है। अगर यहाँ पे साइज में पूछा जाए तो भी डस्टर बड़ा है, और जब इसकी हाइट में पूछा जाए तो भी डस्टर बड़ा होगा मार्कर के थ्रू, है ना। इसी तरीके से बिगर मतलब डस्टर बड़ा रहेगा, क्योंकि वो उसकी हेल्थ हाइट हर चीज़ में बड़ा दिखाई दे रहा है, और स्मॉलर मीन्स छोटा, ये इस चीज़ में छोटा दिखाई दे रहा है। एग्जाम्पल देखते हैं, योर पेरेंट्स आर बिगर देन यू एंड यू आर स्मॉलर देन हिज। मतलब आपके जो मम्मी पापा है वो आपसे बड़े हैं, अब हाइट में देख लेना है ना जाके नाप के, और आप छोटे हो उनसे। तो देखो जब आपके पेरेंट्स आपसे बड़े हैं हाइट में तो वो बिगर होंगे आपसे, और जब आप छोटे हो अपने मम्मी पापा से हाइट में तो दैट इज मीन आप स्मॉलर हो। आया समझ में, यही था हमारा बिगर और स्मॉलर का। अब हम आगे वाले उसमें जाते हैं जो है बिगेस्ट एंड स्मॉलेस्ट। उसमें कोई इतना हट के नहीं दिया है, सब सेम ही है, बिगर स्मॉलर जैसे, जैसे बिग बिगर और स्मॉल बिगेस्ट इसी तरीके से है, तो लेकिन फिर भी उसे एक बार हम समझ लेते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, तो अब हम आगे का शुरू करते हैं जो है आपका बिगर और स्मॉलर, ठीक है। देखो सॉरी बिगेस्ट एंड स्मॉलेस्ट, है ना, सेम वैसे ही है, लेकिन यहाँ आप कंपेयर करोगे। अगर मैंने पूछा बिगेस्ट, सपोज यहाँ आपको देखो, यहाँ मैं बताती हूँ, यहाँ मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया, यहाँ मैंने दूसरा सर्कल ड्रॉ किया, यहाँ मैंने तीसरा सर्कल ड्रॉ किया, और यहाँ मैंने ये फोर्थ सर्कल ड्रॉ किया। अब मैं पूछ रही हूँ आपसे कि इसमें से बिगेस्ट क्या है। बिगेस्ट मतलब देखो, बिगर मीन्स स्मॉलर, बिगर मीन्स ग्रेटर देन, और बिगर मतलब होता है सबसे बड़ा।
अब मैं पूछ रही हूँ आपसे, इसमें से सबसे बड़ा सर्कल क्या है? क्या ये वाला है कि ये वाला है कि ये वाला है कि ये वाला है? जरा साइज में देखो, ये वाला सर्कल आ रहा है यहाँ तक, ये वाला आ रहा है यहाँ तक, और ये वाला आ रहा है यहाँ तक। मीन्स ये जो है ये सबसे ऊंचा है, तो ये वाला होगा बिगेस्ट। देन स्मॉलेस्ट क्या हुआ? स्मॉलर मीन्स स्मॉलर देन ऑल, मतलब सबसे छोटा। आप देखो अब ये और ये जो है, खैर ये तो इससे बड़ा है, अलग ही समझ है। इसमें से कौन बड़ा छोटा है? ये देखो, ये हमने थोड़ा ऊपर साइड बनाया है, और ये जो है ये थोड़ा सा नीचे दिखाई दे रहा है आपको इतने डिस्टेंस से। तो ये जो है ये वाला स्मॉलर हुआ। आया समझ में? बिगेस्ट क्या होता है, स्मॉलेस्ट क्या होता है? सेम सेम ये। अगर मैंने पूछा बिगेस्ट क्या है, तो ये वाला सर्कल बिगेस्ट है और स्मॉलेस्ट नहीं, ये वाला सर्कल स्मॉलेस्ट है। वो आपके शेप पर डिपेंड करता है कि अगर आपको स्मॉलेस्ट पूछा है तो आपके पास सबसे छोटा कितना है। अगर मैं यहाँ इतना बड़ा सर्कल ड्रॉ कर दूँ तो क्या ये स्मॉलर रहेगा? नहीं रहेगा। स्मॉलर फिर क्या रहेगा? ये वाला सर्कल रहेगा। इसी तरीके से अभी हम इसको बिगर बोल रहे हैं। अगर मैं यहाँ इस तरीके से ये वाला ड्रॉ कर दूँ तो क्या फिर ये बिगर रहेगा? नहीं रहेगा। जितने भी पूछे उसमें से जो सबसे बड़ा है उसी को हम बोलेंगे। अब ज़रा हम एग्जाम्पल पे जाते हैं। आपको समझ आया? बिगर मीन्स ग्रेटर देन ऑल एंड स्मॉलेस्ट मीन्स स्मॉलर देन ऑल। अब हम पढ़ते आगे। फॉर एग्जाम्पल, योर न्यूली एरिया बिगेस्ट बिल्डिंग इज बिगेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट बिल्डिंग इज स्मॉलेस्ट। बिल्डिंग का एग्जाम्पल लिया यहाँ हमने। आप अपने टेरेस पे जाके या आजू बाजू देखना, जो बिल्डिंग सबसे बड़ी होगी वो होगी बिगेस्ट, है ना, सबसे बड़ी बिल्डिंग। और जो सबसे छोटी होगी वो होगी सबसे स्मॉलेस्ट। आप अपने घर की जो गार्डनिंग करता है वहाँ पे जाके भी देख सकते हैं, जो प्लांट सबसे छोटा होगा वो होगा स्मॉलेस्ट, और जो सबसे बड़ा होगा वो होगा बिगेस्ट। आप एक लीफ का एग्जांपल भी ले सकते हैं। आप दो अलग अलग प्लांट्स की लीफ लाना, है ना, पेड़ की ट्री की भी ला सकते हो, और फिर उनको कंपेयर करके देखना कि क्या बिग है। आप अपने फिंगर से भी काउंट कर सकते हो। सपोज़ ये दो फिंगर है, इसमें से बड़ी कौन सी दिखाई दे रही है? ये वाली। और स्मॉलेस्ट कौन सी दिखाई दे रही है? ये वाली। तो हमने समझ लिया कि बिगेस्ट और स्मॉलेस्ट होता क्या है। बिगेस्ट मीन सबसे बड़े, स्मॉलेस्ट मीन सबसे छोटा। अब हम आगे बढ़ते हैं। और हाँ, अगर कोई चीज़ इक्वल है, सपोज अगर मैंने यहाँ पे इस तरीके से ये ड्रॉ किया, है ना, सेम एज इट इज़ मैं यहाँ ये ड्रॉ कर रही हूँ। अब आपसे पूछा था इन दोनों में से बिगेस्ट स्मॉलेस्ट क्या है, पहले तो अच्छे से ध्यान दे लो, कहीं से थोड़ा सा भी ऊंचा नीचे तो नहीं है? नहीं है। अगर हुआ भी तो फिर मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझा रही हूँ बस। बिगेस्ट स्मॉलेस्ट इन दोनों में से कोई नहीं है, दैट इज़ कॉल्ड इक्वल। ये इक्वल्स टू का साइन हम लगाते हैं, ये क्या बोलते हैं इसको, हम बोलते हैं इक्वल का साइन। मतलब ना तो कोई एक से बड़ा है और ना ही कोई एक से छोटा है, उसको हम बोलते हैं इक्वल। तो यहाँ पे हमारा बिगेस्ट और स्मॉलेस्ट भी हो गया। अब हम आगे वाली जो पार्ट है उस पर जाते हैं।